गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एनोड प्रिडिक्शन एंड टूल डिज़ाइन ECM में कैसे होता है। एनोड की प्रिडिक्शन कैसे की जाती है और टूल डिज़ाइन कैसे किया जाता है ECM के अंदर। जस्ट वन सेकंड, मैं जरा साइज इसका इंक्रीज कर देता हूँ। तो एनोड प्रिडिक्शन, द पोटेंशियल प्रोडक्शन प्रोसेस हैज़ नॉट बीन फुली एक्सप्लोइटेड ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स नेचर। तो इस कॉम्प्लेक्स नेचर की वजह से क्या होता है कि हम एनोड की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि टूल डिज़ाइन अगर हमें करना है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के अंदर क्या होता है, जो टूल होता है हमारा, टूल के ऊपर से भी हमारा मटेरियल रिमूव होता है। टूल डिज़ाइनिंग इज यर टू डू योर स्पेस लाइफ विद द कंप्यूटेशन, यानी कि कंप्यूटेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, टूल डिज़ाइन होता है। द क्लासिक इलेक्ट्रोड इज वैलिड ओनली अंडर आइडियल कंडीशन। जो क्लासिकल हम इलेक्ट्रोड की डिज़ाइन करते थे वो हमारा आइडियल कंडीशन के अंदर ही वर्क कर सकता है। तो बाकी जो हम कर सकते हैं वो हम ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, टूल को करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। कि जैसे कि अगर हमने मटेरियल किया तो हमने एक पर्टिकुलर शेप बनाई, उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा वर्कपीस रिमूव होता जाएगा वैसे वैसे हमारा टूल भी धीरे धीरे रिमूव होता जाएगा और डिकम्पोज होता जाएगा। जब टूल हमारा डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, वर्कपीस की शेप प्रॉपर नहीं आएगी। तो अगर शेप अगर हमारी जो अगर हमें होल बनाना है उससे बड़ा साइज़ आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एरर एंड ट्रायल मेथड के थ्रू जो हमने पहले टूल बनाया था उसकी डायमेंशन कम करेंगे। लेकिन अगर हमारा साइज़ कम आ रहा है तो एरर एंड ट्रायल मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, उसके साइज़ को बढ़ा देंगे। और ऐसे करके हम कम ज़्यादा करते जाएंगे जब तक हम एक्चुअल एग्जैक्ट पोजीशन में नहीं पहुंच जाते कि किस तरह से हमें टूल को डिज़ाइन करना है। तो जो एरर एंड ट्रायल मेथड होता है ये हमारा क्लासिकल मेथड होता था। इसके साथ अभी हम क्या है, कंप्यूटर की हेल्प से कैलकुलेशंस करने की कोशिश करते हैं कि हम बार बार मटेरियल रिमूव करके, मटेरियल और टाइम दोनों वेस्ट ना किए जाएँ, उसके साथ हम कुछ और प्रोसेस यूज़ करके इसको रिमूव कर सकें। तो इन नंबर ऑफ मॉडल्स फॉर एन ऑड शेप प्रिडिक्शन ऑफ टूलिंग डिजाइनिंग ECM हैव बीन डेवलप्ड, एबिलिटी टू प्रिडिक्ट वेरी लिसनिंग IAG, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टूल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे ये मेथड होते हैं एनोड डिज़ाइन के लिए, टूल डिज़ाइनिंग के लिए, ECM के लिए, ये मेथड होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो टूल डिज़ाइन अगर हम ECM के थ्रू कर रहे हैं तो वर्क पीस को अगर हमें एनोड बनाना है उसके लिए अलग शेप प्रिडिक्शन मेथड होता है, और टूल को कैथोड बनाना है उसके लिए अलग शेप प्रिडिक्शन होता है। यानी कि वर्क पीस की हम अलग शेप प्रिडिक्शन करते हैं और टूल की अलग शेप प्रिडिक्शन करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले वर्क पीस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा मेथड होता है वो होता है कॉस्टिटा मेथड, जो हम आगे लेक्चर में भी पढ़ेंगे। उसके बाद होता है कंडक्टिंग पेपर एनालॉग मेथड, उसके बाद पैरा, उसके बाद एम्पेरिकल अप्रोच, उसके बाद नोमोग्राफिक अप्रोच, फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अप्रोच, उसके बाद परट्यूबेशन एनालिसिस, उसके बाद फाइनाइट डिफरेंस मेथड, उसके बाद फाइनाइट एलिमेंट मेथड और बाउंड्री एलिमेंट मेथड। ये सारे मेथड हम यूज़ करते हैं पहले वर्कपीस की शेप प्रडिक्शन के लिए। अब उसके बाद बात करते हैं हम टूल की डिज़ाइन के लिए। टूल की डिज़ाइन के लिए कौन कौन से, वर्कपीस की एक बार हमने शेप बना ली, कि शेप प्रडिक्शन कर ली वर्कपीस कैसा होगा, तो वर्कपीस की जो शेप आई है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टूल की डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए कॉस्टिटा मेथड, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अप्रोच मेथड, फाइनाइट डिफरेंस मेथड और फाइनाइट एलिमेंट मेथड और बाउंड्री एलिमेंट मेथड। अब बेसिकली क्या होता है कि जिस मेथड से हमने स्टार्ट किया होता है वर्कपीस को शेप प्रिडिक्शन, उसी मेथड से हम टूल डिज़ाइन भी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हमने कॉस्टिटा मेथड यूज़ किया है, मोस्ट पॉपुलर मेथड है, तो हम कॉस्टिटा मेथड से टूल डिज़ाइन करेंगे। फिर अगर हमने ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अप्रोच के थ्रू अगर किया तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अप्रोच, और फाइनाइट डिफरेंस मेथड से अगर हमने वर्कपीस को प्रिडिक्ट किया, शेप प्रिडिक्ट किया है, तो फाइनाइट डिफरेंस मेथड से हम टूल डिज़ाइन करेंगे। फाइनाइट एलिमेंट मेथड से अगर हमने वर्कपीस की शेप प्रिडिक्ट की है तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड के थ्रू हम टूल डिज़ाइन करेंगे। बाउंड्री एलिमेंट मेथड के थ्रू अगर हमने वर्कपीस की शेप प्रिडिक्ट की है तो बाउंड्री एलिमेंट मेथड के थ्रू इसको आगे करेंगे। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो बहुत सारे हमारे मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले एनोड प्रिडिक्शन एंड टूल डिज़ाइन फॉर ECM के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है कॉस्टिटा मेथड। अब कॉस्टिटा मेथड क्या होता है,
ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के अंदर जो गैप होता है इलेक्ट्रोलाइट आने के लिए, उसको हम कंसिडर करके चलते हैं कि ये एक पर्टिकुलर प्लेन में सेम होगा, उसके बाद अगर प्लेन चेंज हो रहा है तो ये चेंज हो जाएगा। तो एक जगह सपोज़ किया हमने कि इसकी डिस्टेंस मान ली हमने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस वाई ई, तो अगर हम किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे वाई को कंसीडर करते हैं तो उसके बीच में अगर डेप्थ निकालते हैं तो पहले प्लेन और आपके प्लेन के जो परपेंडिकुलर हैं उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उस एंगल के कॉस कंपोनेंट से हम पहली वाली डिस्टेंस को अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो डिस्टेंस बनेगी हमारी, प्रिडिक्ट कर लेंगे हम कि हमारी किस तरह की शेप बन रही है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। देखो ऊपर कैथोड है, नीचे एनोड है, उन दोनों के बीच में गैप बना हुआ है। तो कैथोड की जो शेप रहेगी वो जब चेंज हो रही है प्लेन वाइज, तो कैथोड की वजह से जो एनोड में मटेरियल रिमूव होगा वो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होगा। तो उसी को बस हमने मेज़र करना है कि कौन सी प्लेस पे क्या होगा। तो उसके लिए हम एक सिंपल मेथड कॉस थीटा मेथड यूज़ करते हैं कि जिस किसी एंगल पे निकालना है उस एंगल से डिवाइड कर दो तो हम उसको निकाल सकते हैं। ये बेस्ट होता है मेथड, कंप्यूटर के थ्रू हम इसको इक्विलिब्रियम गैप निकाल सकते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करके आगे हम इसको मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक मेथड हो गया जो हमने पढ़ा वर्कपीस में प्रेडिक्ट करने के लिए कि हमारा मटेरियल कैसा होगा। उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं कि टूल डिज़ाइन के लिए, तो टूल डिज़ाइन के लिए भी अलग अलग तरह के मेथड होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा कॉस थीटा मेथड होता है। तो कॉस थीटा मेथड में क्या होता है, वाई को हम मानते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। वाई को जब हम फंक्शन ऑफ एक्स अगर कंसीडर कर लेते हैं तो हमारी एनोड और कैथोड सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज़ करो एनोड पे हम एक पॉइंट मानते हैं ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई, और कैथोड पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं बी, और इनको हम इन दोनों प्लेट्स के परपेंडिकुलर लाइन के थ्रू मिला देते हैं, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे दो पॉइंट हमने कैलकुलेट किए। अब क्या करना है हमें, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब हमने फंक्शन तो बना लिया वाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि वाई एक फंक्शन है एक्स का। अब वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस है, और एक्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट में, यानी कि वाई की जो वैल्यू है वो वाई वन माइनस वाई है और जो x की वैल्यू है वो x1 माइनस x है। तो इस तरह से हम अगर हमें इसकी एक इक्वेशन बनाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए बी क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, और y माइनस वाई वन ये साइड वाली डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएं तो ए बी कॉस थीटा हो गया। अब ए बी की वैल्यू अगर हम निकालें तो वाई ई अगर हमने निकाला तो ये हो गया कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई ई। सिंपल है क्योंकि जो वाई वाला कंपोनेंट था वही हमने वाई ई माना था, उसको हम मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या सिंपली हम नॉर्मली भी उसको बता सकते हैं। तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई ई हो गया, और वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई हो गया। तो अब इन दोनों से रिएक्ट करके हम आगे ये बता सकते हैं कि वाई वन प्लस वाई ई इज इक्वल टू वाई आ गया वहाँ से, ठीक है। तो ये उसके बाद दोबारा हम अगर लिखें तो हम लिखेंगे x1 वन माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो x1 वन माइनस एक्स की वैल्यू होगी वाई ई अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा मिलकर हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ से इक्वेशन निकल के आएगी x इज इक्वल टू एक्स वन माइनस वाई ई टेन थीटा होता है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप होता है टेन थीटा। तो इस तरह से अगर हम इस इक्वेशन को एक नॉर्मल इक्वेशन की तरह रिप्रेजेंट करें तो ये बन के आती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन आता है y1 वन प्लस वाई इज इक्वल टू, सारे फॉर्मेट में जब हम इसको रखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आती है b प्लस टू सी एक्स। जब b प्लस टू सी एक्स निकल आई तो x की जगह रिप्लेस करके हमने x की वैल्यू रख दी। तो dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें b प्लस एक्स वन और वाई ई की टर्म में मिल जाती है, जहाँ पे x और y का कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है। जब हमें x और y की कोऑर्डिनेट में मिल जाती है तो हम dy वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन को की वैल्यू को उसमें दोबारा से पुट करके हम इक्वेशन को dy वाई बाई डी एक्स रिमूव करके x1 y1 और वाई ई की टर्म में पूरी इक्वेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे अगर हमें इसको और आगे सॉल्व करना है तो हमने सिंपल एक डायरेक्शन के लिए किया, आगे हम उसको डबल डायरेक्शन के लिए भी
यूज़ करके इस इक्वेशन को आगे निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बारे में कि हम कौन कौन से मेथड यूज़ करके कैसे मशीनिंग कर सकते हैं। तो बाकी आगे हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे माइक्रो और नैनो मशीनिंग के बारे में। ओके, थैंक यू।